हेलो फ्रेंड, पीएससी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रॉब्लमों ने जिसकी अपनी सीरीज चल रही है, आज थर्ड पार्ट है। इससे पहले अपन दो वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन भी मैंने करवा दिया है और आपको रेशियो के भी क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। क्वेश्चन रेशियो भी डिस्कस कर चुके हैं अपन। आज अपना एजेस का थर्ड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में अच्छे खासे क्वेश्चन, बेसिक से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। उनको किस तरीके से रेशियो से हैंडल करना है अपने को, वो मैंने आपको बताया है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली होता क्या है कि टाइम की बाउंडेशन रहती है, उसकी वजह से कम समय में अपने को ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ईजी अप्रोच अपनानी पड़ेगी, और वही ईजी अप्रोच मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप लगातार बने रहिए, वीडियो को देखिएगा आप, और समझ में आ रहा है तो प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा आप, तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड एजेस का। देखिए अपने से क्या बोल रखा है, 10 वर्ष पहले पी की आयु क्यू की आयु के आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना था, 3:4। तो उनकी आयु का योग कितना होगा? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कल कि सबसे पहले पी और क्यू बना लीजिए। ठीक है, 10 वर्ष पहले का बोल रखा है तो -10 ईयर कर लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, आधी थी मतलब भाई पी की आयु आधा यह होता है। अगर पी की ये होगी तो क्यू की क्या होगी, 2, तो 1 और 2। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है अपने को 3:4। तो उनकी आयु का योग क्या होगा? देखिए कल मैंने आपको क्या बताया था, ये होता है डिफरेंस 3 से 4 और 1 से 2, ये दोनों का डिफरेंस हो गया। ठीक, 1x हो गया और ये कितना है, 2। ये कितना है, 2। देखिए अगर यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1, दोनों में सेम आ जाए ना, तो अपन सही चल रहे हैं, अपनी इक्वेशन सही से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष पहले की बात कर रखा है उसने, पी की आयु क्यू की आयु की आधी थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:4 था। तो उनके कुल आयु का योग ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए ये 10 साल है, ये 2 है, मतलब ये कितना है, 2 = 10 साल है। 2 न होके ये कितना है, 10, मतलब 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 साल। x की वैल्यू कितनी, 5 साल। इसको x कर लीजिए, इसको x, इसको x, इसको x। ये जो होता है ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, मतलब ये 10 साल पहले इतनी थी और 10 साल बाद इतनी हो गई, मतलब ये वर्तमान हो गई, मतलब ये इतनी बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी, 10 साल बड़ी होगी। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 5 है तो 3x की कितनी हो जाएगी, 3 × 5 और 4 × 5। उसने क्या बोला है, उनकी कुल आयु का योग, तो 5 दिया कितना हो गए, 15 और 5 चौके कितना, 20। 15 और 20 कितने होते हैं, 15 + 20 = 35। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है, 2 सालों बाद उनकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये बोल रहा है। देखिए एक आदमी अपने पुत्र से कितना बड़ा है, 24 वर्ष बड़ा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर पास्ट में उनके बीच अंतर 24 साल का रहा होगा तो आज भी 24 साल का ही रहेगा और आने वाले समय में भी 24 साल का ही अंतर रहेगा। अंतर जो है वो सबसे पहला जो पार्ट करवाया था मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि एज का डिफरेंस जो होता है वो हमेशा तीनों में एज इट इज ही रहेगा, मतलब प्रीवियस में कुछ था, आज कुछ है और आने वाले समय में कुछ रहेगा, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, हमेशा एज इट इज रहेगा। अगर 24 साल है तो 24 साल ही रहेगा। ठीक, चलिए क्या बोला उसने, एक आदमी अपने पुत्र से 24 साल बड़ा है, 2 सालों बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे कर लीजिए पिताजी को बना लीजिए, पिता, और यहाँ पे क्या कर लीजिए, पुत्र, ये हो गया फादर, ये हो गया उसका सन, इन दोनों का अनुपात हो गया। ठीक है, कितना है, 2 गुनी है, मतलब 2:1 है। मैंने क्या बताया था, देखिए पिता हमेशा बड़ा ही रहेगा पुत्र से, मतलब अगर 2:1 है तो ऐसा नहीं कि 1 रेशियो इसका हो गया और 2 रेशियो इसका हो गया, हमेशा 2 रेशियो क्या होगा, पिता का ही रहेगा। ठीक है, तो 2:1 है, 24 वर्ष बड़ा है, मतलब कितना है, 1 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस ना होके ये कितना है, 1x की वैल्यू कितनी है, 24,
यही है, 2 सालों बाद उनके आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ये कब का है? ये 2 साल बाद का है, 2 ईयर। कैसे ये 2 साल बाद का? क्या बोला उसने, 2 गुनी कब होगी? 2 सालों बाद। ठीक, तो अपने को क्या करना है, 2 सालों बाद ऐसा हो गया, मतलब 1x की वैल्यू 24 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 24 दूना 48, और ये कितना हो जाएगा, 24 से कम 24। ये कब का है? 2 सालों बाद। तो ये अगर 2 साल बाद का है तो 2 साल पहले क्या था, 46। ये 2 साल बाद का है तो ये 2 साल पहले कितना था, 22। उसने किसकी पूछी है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 22 ईयर। ये क्या हो जाएगा, उसके बच्चे की आयु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किरण और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:4। 3 सालों बाद उनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 11:9। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है भाई? सबसे पहले क्या करिए, आप किरण को बना लीजिए, किरण और ये क्या है, श्याम। इन दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात आपने कितना दे रखा है, 5:4। और क्या बोल रहा है, 3 सालों बाद, 3 सालों बाद दे रखा है, मतलब 3 ईयर प्लस का कितना दे रखा है, आयु का अनुपात कितना हो गया, 11:9। तो अपने क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस देखना है, 9, 2, 11 और 4 से 1, 5। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए 2 का इंटू यहाँ पर कर लीजिए पूरी इक्वेशन में, और 1 का इंटू इस पूरी इक्वेशन में कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 11 एकम 11 और 9 एकम 9। ये क्या है, किरण, और ये कौन है, श्याम। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था कि पुराने रेशियो का काम कब तक है, जब तक नया रेशियो नहीं बने, और नया रेशियो बनते ही इसका काम क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक, 10 से कितना हो गया, 1, 11 और 8 से 9 कितना बढ़ा, 1x बढ़ा, और उनका कितना दे रखा है, 1 साल ना होके कितना है, प्लस 3 ईयर, मतलब 1x की वैल्यू कितनी है, 3 साल। 1x की वैल्यू 3 साल है, तो उसने पूछा है कि शाम की, तो शाम कहाँ है, ये रह गया शाम, ये कितना है, 9x। भाई 9 × 3 कितना हो गया, 27 साल का। और अगर वो पूछ लेता है कि किरण की आयु कितनी हो जाएगी, तो 11 × x की जगह कितना रखें, 3, 11 कितना, 33 साल। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, किरण की पूछे तो ये, शाम की पूछे तो ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 बच्चों का जन्म, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, मैं आपको एक छोटा सा रूल बताऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने नाम सुना होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, अगर मैं बोलूँ कि इन सब का एवरेज कितना होगा, तो आप क्या करोगे, एवरेज मतलब औसत, औसत मतलब इन सब को जोड़ो और जितनी संख्या है, कितनी है, 9, 9 से डिवाइड कर दो उसका, तो वो क्या आ जाएगा, इसका औसत। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि औसत आपको ऐसे नहीं निकालना है, ऐसे निकालना है कि 4 संख्याएं हैं, इनको इधर रख लीजिए और 4 संख्या इधर रख लीजिए, आपका 5 क्या आएगा, ये आपका एवरेज आएगा। ये क्या है, एवरेज। ठीक, और ये कब देख सकते हैं, इनके भी डिफरेंस सेम होना चाहिए, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 और 1। अगर एक डिफरेंस रहा पूरी सीरीज में, तो वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं अपन, 2 रहा तो भी कर सकते हैं, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए, 2 डिजिट के बीच डिफरेंस अगर सेम है पूरी सीरीज में, तो उस कंडीशन में अपन ऐसे कर सकते हैं कि 4 इधर के हटाए, मतलब ऐसे देखना है कि अगर 9 नंबर हैं तो 4 इधर के हटा दो, जो बीच में बचेगा वो अपना एवरेज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी है, क्या बोल रखा है, 5 बच्चों का जन्म 3 वर्षों के अंतराल में होता है, मतलब 3-3 वर्ष होंगे। ठीक, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है, तो सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए 5 बच्चे हैं, टोटल कितनी है, 50, मतलब 10 साल कितने की हो जाएगी, 10 10 10 10 सबकी है। और अभी मैंने क्या बताया कि अगर बराबर अगर दो डिजिट के बीच में अगर बराबर का डिफरेंस होगा, तो उसमें जो 20 वाली वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, उनका एवरेज आएगा। मतलब देखिए,
अगर यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 और इससे प्लस 3 करके अगर यहाँ लिख दूँ प्लस 3 तो ये कितना आएगा 13, और यहाँ पे प्लस 3 करके लिख दूँगा तो कितना आएगा 16। इसी तरीके से 10 में से कितना प्लस हुआ होगा कि 10 आया तो 7, और कितना प्लस हुआ होगा कि 7 आया तो 4। ये कितने हो गए 1 2 3 4 5, मतलब ये 4 प्लस 3 7 प्लस 3 ये आ गया। तो उसने क्या पूछा, सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये कितने हो गए 5, और इन सबको आप ऐड कर लीजिए कितने हो जाएंगे प्लस 50 हो जाएंगे, 10 20 30 और 40 और 50। देखिए 10 7 17 4 21 और 3 कितने हो गए 24, और 10 कितने 34, और 6 कितने 40, और 10 कितने 50 हो गए। ये क्या आ गया, ये उन सब का क्या है एवरेज है। तो देखिए सबसे छोटे बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है, तो सबसे छोटा बच्चा कौन होगा 4 साल का, 4 साल। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर, इसको बोलते हैं अपन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये एवरेज जब मैं समझाऊंगा ना तो और आपको डिटेल में इसकी जानकारी दे दूंगा मैं, ठीक। अभी आप इतना समझिए कि 3-3 साल का डिफरेंस होगा, 5 जने रहेंगे तो बीच में उनका एवरेज आ जाएगा, 2 इधर रह जाएंगे 2 इधर रह जाएंगे, और बीच का जो रहेगा वो अपना आ जाएगा, ठीक है, एवरेज आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है जो सी से 2 गुनी आयु का है, ए बी तथा सी के वर्तमान आयु का योग कितना है, 27 वर्ष है, तो बी के वर्तमान आयु क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप कैसे हैंडल करोगे, इसको हैंडल करने का अपने पास इजी तरीका है, ए इज टू बी इज टू सी। ए बी से कितना साल बड़ा है, 2 साल बड़ा है, मतलब ए माइनस बी कितना है 2 ईयर, यही है। जो सी से 2 गुनी आयु का है, जो बोलता है सेकेंड वाला मतलब बी 2 गुनी आयु का है, सी से 2 गुनी आयु का, सी से 2 गुनी का आयु का है, मतलब 1:1 हो गया, ठीक है। ए बी से कितना बड़ा है, 2 वर्ष बड़ा है, मतलब मैं अगर बोल दूं कि ए बी से 2 साल बड़ा है, मतलब ओवरऑल इन सब की एज कितनी है 27 साल। अगर ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, ए बी से कितना बड़ा है 2 साल बड़ा है, अगर मैं मतलब ये कितना है, अगर आप इसको 2x मान लो, अगर आप इसको 2x मान लो, ए 1x मान लो, तो ये 2x प्लस 2 यही है। देखिए 2x प्लस 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ बोल रखा है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो बी अगर 2x है तो ये इससे 2 साल बड़ा है। अब आप क्या करेंगे कि इस 2 को माइनस कर लीजिए, इसमें से 27 में से 2 माइनस कर लिया, कितना आ गया 25, मतलब इसको हटा दीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए आप ऐसा देखिए कि इस 2 को हटाया, ये मतलब इसमें से ओवरऑल में से हटा दिया तो कितना आया 25। अब यहाँ देखिए 2 2 1 कितना हो गया 5x, 5x इज इक्वल टू कितना हो गया 25, मतलब 5 से काट दो, 5 5 कितना हो गया 25, x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो 5 दूना कितना हो गया 10, और 5 एकम 5, और ये कितना हो गया 5 दूना 10, ठीक है। अब ये तो कितना हुआ, ये तो 25 ही हुआ, लेकिन ये कितना बड़ा था 2 साल बड़ा था, ये कितना साल का हो जाएगा 12, और ये 10 साल का है, ये 5 साल का। तो उसने पूछा है कि बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई 20 10। ए की वर्तमान आयु अगर पूछेगा तो 12 साल, बी की पूछेगा तो 10 साल, और सी की पूछेगा तो 5 साल। ये आया समझ में, अगर ये आपको समझ में नहीं आया हो तो इसको आप थोड़ा सा रिटर्न करके देखिएगा, डबल देखिएगा, आपको समझ में आएगा, ठीक है। 2 साल अपन ने माइनस क्यों किए, वो भी फॉर्मूला आपको समझ में आएगा। 2 साल अगर कम होता या ज्यादा होता तो उसको कैसे हैंडल करते, जो बोला है तो उसका क्या है, अगर अथवा बोला है तो क्या है, इन सब का यूज इस तरीके से आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे हो जाएगा। अभी ये आया होगा समझ में, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रखा है, किरण विनय से 7 वर्ष छोटा है और उसकी आयु का अनुपात 7:9 है, तो किरण की आयु क्या है। सबसे पहले क्या करना है, किरण और विनय को बना लेना है, किरण और विनय क्या है, 7 वर्ष छोटा है और उनकी आयु का अनुपात कितना है 7:9। किरण विनय से 7 वर्ष छोटा है, डिफरेंस क्या है 7 वर्ष, और डिफरेंस क्या होता है ये वाला 2x 7x 9x, 2x की वैल्यू कितनी है 9 ईयर, और उसने क्या बोला है, तो किरण की आयु ज्ञात करना है अपने को, भाई 2 4 2 4 8 2 5 10,
एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 4.5। तो किरण की निकालना है, किरण क्या है, ये वाली है किरण, ठीक है। तो 7 × 4.5 अगर ऐसे करेंगे तो कितना आएगा, 7 × 4 = 28 और 7 × 5 = 35, 28 और 31.5 आ जाएगा। देखिए 7 × 5 कितना होता है 35, हासिल का 3, 7 × 28 और 3 कितना है 31.5 साल की हो जाएगी किरण। अगर किरण की पूछे ना तो किरण हो गई ये, और अगर पूछ ले कि विनय कितने साल का है तो 9 × 4.5 कर दीजिए, ये आ जाएगा 9 × 5 = 45 का 5, हासिल आया 4 × 9 = 36 और 4 कितने 40.5। 40.5 किसकी आ गई, विनय की, ठीक है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 वर्ष पहले विमल और सरोज की आयु का अनुपात कितना था, 6:5। सबसे पहले क्या करना है, विमल और सरोज को बना लो, उसके बाद 6 वर्ष पहले का बोल रखा है तो पहले का बना लो। सबसे पहले क्या करना है, विमल, विमल और ये क्या है सरोज, कितना अनुपात दे रखा है 6:5। कब का दे रखा है ये, 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले मतलब माइनस का 6 ईयर, ठीक। और उसके बाद दे रखा है कि 4 वर्ष बाद, तो 6 साल तो ये हो गए, 4 साल ये हो गए, इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 11:10, 11:10। अब आप देखिए 5 से 1 और 10 से 11 मतलब डिफरेंस सेम है, और 5 से 5 हो गए इंक्रीमेंट में, 5 से 5 और 6 से 5 11 मतलब ये भी सेम है, ठीक। और 6 और 4 कितने 10, तो 5x ना होके इसकी वैल्यू कितनी है 10 साल, भाई 6 और 4 कितने हो गए 10, 5x की वैल्यू 10 साल हो गई, तो 5 × 10 x की वैल्यू कितनी आ गई 2 साल, ठीक। तो उसने क्या पूछा है कि सरोज की वर्तमान आयु कितनी है, तो आप देखिए 1x की वैल्यू अगर 2 साल है, इन सबको x बना लीजिए, ये 11x है, ठीक है, 11x और 10x, अरे यार इसको यहाँ पे लिख देता हूँ सही से, 1x की वैल्यू 2 है तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20 और 11 × 2 कितना हो जाएगा 22। ये कब है 4 साल बाद, तो सरोज की आयु, सरोज कहाँ है, ये रह गई, सरोज की आयु कितनी थी 4 साल बाद 20, तो 4 साल पहले कितनी होगी 16, ये कब की हो जाएगी वर्तमान की 16 साल, ठीक है, आया समझ में। अगर इसी तरीके से विमल की पूछ लेगा तो विमल की कितनी हो जाएगी 22 में से 4 गए तो कितने आ गए 18, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दे रखा है कि शेखर और शोभा की वर्तमान आयु, शेखर और शोभा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को 4:3। 6 वर्षों बाद शेखर की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो शोभा की वर्तमान आयु क्या है, सबसे पहले क्या करना है अपने को शेखर बना लेना है, और उसके बाद क्या शोभा, उनका वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है 4:3, और 6 वर्षों बाद शेखर की आयु कितनी हो जाएगी 26 साल। तो देखिए अगर ये रह गई, ये रह गया शेखर, अगर ये 6 साल बाद 26 साल का हो जाएगा, 6 साल बाद 26 साल का हो जाएगा, मतलब अभी कितना है, अभी 20 साल का है, तो ये 4 ना होके कितना है 4 × 5 = 20, तो ये भी 3 ना होके कितनी हो जाएगी 5 × 3 = 15, मतलब अगर ये 5 × 20 है तो ये कितनी है 15 है। तो इसने क्या पूछा है कि शोभा की वर्तमान आयु, तो ये क्या है, ये वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान है, तो वर्तमान कितने आएंगे 15 साल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आ गया होगा आयु समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या बता रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एबीसी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:7:9 है, 8 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 56 वर्ष था, तो उनकी आयु क्या है। सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी बना लेना है, आयु का अनुपात कितना है 4:7:9 है, कब है ये 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना था, पहले 56 वर्ष था। अगर आज आप 3 फ्रेंड हो और तीनों फ्रेंड की आयु का अनुपात जो है 4:7:9 है आज की, और 8 वर्ष पहले आपकी आयु का योग कितना था 56, तो देखिए तीनों की 8-8 साल बढ़ गई आज तक आने में, आज आपको 8 साल से अभी तक आने में कितने बढ़े भाई, तीनों के 8-8 साल बढ़े मतलब कितने बढ़े 24 साल, 6 × 4 = 10, 1 × 5 = 2, 7 × 1 = 8, 80 साल हो गए आज आपकी तीनों की एज, और उन तीनों की एज का कितना
रेशियो दे रखा है अपने को, 4x, 7x, 9x, ठीक, 7, 4, 11 और 9 कितने, 20x हो गए भाई। इन तीनों को प्लस कर लीजिए, 4x, 7x, 9x, कितने हो गए ये ओवरऑल, 20x, और 20x ना हो क्या, ओवरऑल वैल्यू कितनी है, 80, तो यहाँ से आप काट लीजिए 20 जो कि 80, x की वैल्यू कितनी, 4, अगर x की वैल्यू 4 है तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 4, 4 चौक 16, 7 इंटू 4, 7 चौके 28, 9 इंटू 4, 9 चौके 36, उनकी वर्तमान, उनकी आयु क्या है, तो ये हो जाएगी, ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी, ठीक है। अगर ए की पूछेगा तो 16 साल, बी की पूछेगा तो 28 साल, और सी की पूछेगा तो 36 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए तथा बी के वर्तमान आयु बी तथा सी से 12 वर्ष अधिक है, तो सी ए से कितना छोटा है, क्या करना है अपने को, सबसे पहले ए बी और सी मना लेना है। ए बी के वर्तमान आयु बी तथा सी से 12 वर्ष अधिक है, तो सी ए से कितना छोटा है, इसको लाइन से करिए आप, लाइन वाला फॉर्मूला अपनाइए, फॉर्मूला नहीं है, लाइन की चीजें हैं। यहाँ पे ए बी से बी के वर्तमान आयु बी तथा सी के 12 वर्ष अधिक है, उसको छोड़ दिया मैंने, एक क्वेश्चन, ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को, 9:7, 10 वर्ष बाद ए की आयु 73 हो जाएगी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है, तो देखिए ए और बी की, ए और बी बना लीजिए, कितना है इनका अनुपात, ना 9:7 है, तो देखिए क्या बोल रखा है, 10 वर्ष बाद ए की आयु 73 हो जाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आज कुछ रही होगी तो 10 वर्ष बाद अगर 73 हो जाएगी, 10 वर्ष बाद 73 हो जाएगी, मतलब आज कितनी थी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आज कितनी थी, 63 थी भाई, आज 63 होगी तभी 10 साल बाद जाके इन्हें 73 हो जाएगी, तो ये 9 न होके कितनी है, 7:63, और ये 7 न होके कितनी है, 49, 9:7:63 और साथी साथी 49, ठीक, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी, 49, बी की वर्तमान आयु, आयु मतलब ये 49 साल आ गए, 49 साल हो जाएगी, ए की पूछेगा तो ए की 63 साल हो जाएगी। ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, इसमें कुछ और ज्यादा नहीं था, ठीक है, आया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो ये था आपका ओवरऑल सेशन, आई होप समझ में आया होगा आप सभी को अच्छे से, और नहीं समझ में आया तो आप प्रीवियस के जो दो वीडियो हैं वो देखिएगा, और उससे पहले रेशियो की सीरीज चली है उसको देखिएगा आप, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। चलिए एंड करते हैं इसको, थैंक यू सो मच।